हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने आचार्य नागार्जुन बीएड फर्स्ट सेमिस्टर रो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश बुक रो यूनिट टू टा पढ़ा। यूनिट वन रो वीडियो मु ऑलरेडी अपलोड कर दे, जो मैंने न देखी चंती से माने जाएं कि से वीडियो टी को देखि दियंतु। ठीक अच्छे, जो मैंने यही जो नोट्स जोटा मुझे पढ़ाऊँ आपण को जो नोट्स रो से हैंड रिटन नोट्स जदि पीडीएफ आकार रे पाइबा को चाहूछंती ताले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जो व्हाट्सएप नंबर अच्छी सेटा रे आपण मते कांटेक्ट करी परिबे आउ ए पीडीएफ टा को पाई परिबे। ए जो इंग्लिश पीडीएफ रो चार्ज अच्छे 99 ओनली, पांचटा यूनिट एथिरे कवर हे कि रहिबो। सो आउ ता छोड़ा बाकी जदि अदर सब जाक पीडीएफ आपण पाइबा को चाहूछंती ताले आपण को 500 रुपीस पड़िबो। माने आपण को जो पांचटा सब्जेक्ट अच्छी से पांचटा जाकर जदि पीडीएफ चाहूछंती आपण को सेटा समुदाय 500 रुपीज पड़ो। बिकज फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जोटा अच्छी से बहुत वास्ट और बहुत लेंदी अच्छी से सहीटा को टिके हाई कॉस्ट रे आमे माने दबू। ठीक अच्छे, माने हाई कॉस्ट भी तो ना 5 रुपीज ही एक्स्ट्रा अच्छी। सो एनीवेज आउ टाइम वेस्ट न करी चलंतु यूनिट टू टा स्टार्ट करिबा। यूनिट टू टा हमर कौन रही मेथड एंड अप्रोचेस इन ईएलटी। ईएलटी माने कौन, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ठीक अच्छे, यूनिट वन रे ऑलरेडी ईएलटी रो फुल फॉर्म आम पढ़ी देचे। सो लैंग्वेज टीचिंग आम करवा केमती, माने भाषा शिक्षा आम दबा केमती, तीन प्रकार रो वे अच्छी। गोटे है अप्रोच, गोटे है मेथड, आ गोटे है टेक्निक। यही जो तीन टा जिनस आउ टिके माने क्लीयर करी आम पढ़ा। फास्ट देखा आम मेथड क्या कहती, एंड ओवरऑल प्लान फॉर सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज बेस्ड अपॉन सिलेक्टेड अप्रोच। ठीक अच्छे, यहाँ कौन ना कौन से गोटे लैंग्वेज को जिते बड़े आम गोटे सिस्टमेटिकली पिलागे प्रेजेंट करके जाऊे पाँच पढ़े जाऊे आमको गोटे ओवरऑल प्लान रो आवश्यकता पड़ी थाए। से प्लान टाक आम मेथड बोली कहू। मेथड रोड़ियाटा जब मुझे एक्जाक्टली कहि तेल मेथड रोड़ियाटा पद्धति। मेथड इज द ओनली वे इन विच समथिंग इज डन। मेथड मध्यम ही कौन से प्लान को जदि आम सक्से चाहूंटे से आमको गोटे मेथड रवश्यकता अच्छी। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज हाउ टू टीच लैंग्वेज। मेथड मेन ऑब्जेक्टिव कौन, हाउ टू टीच, केमी भाव में शिक्षादान दबा, माने को पद्धति अवलंबन करी आम मैंने शिक्षादान देवा। देन आसला मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग को आम टोटाली दि भाग में विभक्त कर, गोटे है क्लासिकल मेथड आ गोटे है न्यू मेथड। क्लासिकल मेथडटा कौटा ना जोटा हूँ ग्रामर ट्रांसलेसन मेथड जोटा से आमर क्लासिकल मेथड। मैंने जमी तुम्हें मु आम एज्र पाने जो मैंने मैंने 90s पाने जो मैंने थिले से माने जो प्रकारिया पढ़ी थिले हुए तो जो तुम्हें माने जो भी वर्तमान क्लास देखुछ कह कार माने बर्थ ईयर 2000 भी हो पारे। बाकी मुझे गोटे जेनरलाइज करी कहली 90s पिला माने जो मैंने जो प्रकारिया पढ़ुते माने जो एमती कर्ता क्रिया साहायकारी क्रिया ए भलिया जो करके ग्रामर पढ़ुते पूरा ट्रांसलेशन मेथड रे पढ़ुते मु गली आई वेंट माने मु गली ए टाइप रो जो पढ़ुते है। ठीक अच्छे, पूरा ग्रामर और ट्रांसलेशन माने आम टेन्स भी पूरा सूत्र करके यहाँ पचर सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट एमती करमती पढ़ुते। ठीक अच्छे, एनीवेज तापर से गोटे है क्लासिकल मेथड माने ट्रेडिशनल बा ओल्ड मेथड आ गोटे न्यू मेथड। न्यू मेथड अंडर में कौन गला ना डॉक्टर वेस्ट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाइलिंगुअल मेथड। ये जो बाइलिंगुअल मेथड टा यूनिट वन मुझे बहुत भल भाव में पढ़े बहुत भल भाव में बुझेई से यहीटा को मानने पचर रखा ये सब जिनस गुड़ाक आग चल देखा। ता आगर देखा आम मेथड कौन तो जाणीगले अप्रोच कौन चल देखा। अप्रोच कौन, अप्रोच हूँ ए सेट ऑफ अजम्पशंस डीलिंग विथ द नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग है। बहुत गोटे सेट ऑफ अजम्पशन माने बहुत गुड़े धारणा जो गुड़ाक कि आम माइंड रे थी जोटा को आम लैंग्वेज लर्निंग आउ टीचिंग रे व्यवहार करती ही आम कौन कहते अप्रोच बोली कहते। आउ टे डिटेल जानवा कौन, अप्रोच इज द वे इन विच समथिंग इन समथिंग इज अप्रोच्ड इट हाज बीन डिसाइडेड बिफोर सिलेक्टिंग द मेथड। मेथड सिलेक्ट करने पूर्व माने कौन से जिनस को आम केमी पढ़ी पार्बा से आम चार पांच प्रकार कौन करोच कर। ठीक अच्छे, माने जमी माने सपोज तुम कौन हम ना कि गोटे पाइबार थी तुम्हें कौन करो ना अप्रोच कर विभिन्न प्रकार इनसेंटिव देखे कि जो प्रकारिया करके कौन करो ना अप्रोच कर है। अप्रोचटा तुम सक्सेसफुल होगा कौ मेथडटा से बेस्ट सुटेड से ही मेथडटा एडप्ट कराए। ठीक अच्छे, तापर से कौन है ना नेक्स्ट देखा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीचिंग अप्रोचेस। दी प्रकारिया टीचिंग अप्रोच अच्छी, गोटे है डायरेक्ट अप्रोच आ गोटे है इनडायरेक्ट अप्रोच। विषय में भी डिटेल आम पचर पढ़ा। चलो आम टेक्निक कौन आगे देखीदा। टेक्निक कौन ना
A technique is implementation that which actually makes place in a classroom designed to carry the method. Method को carry करिबा पाएं कि आमें कौन करूँ ना technique रो use करूँ. माने suppose मुँ गोटे method use कोले dramatization. Dramatization टाको मुँ execute केमिती करिबे. सेती पाएं मते technique दरकार. मुँ technique कोले जे जदी मुँ पिला मानों को बड़ा बड़ा dialogue देके dramat करे ले पिला को दरा. ताले से माने भूल भाल करिबे. सेती पाएं कि मुँ कौन करिबे ना केमिती छोटो छोटो piece dialogue रे से माने करी परिबे. केमिती छोटिया छोटिया माने line हिसाब रे सरल भाव रे से माने मने रखी परिबे. से technique गुडा को use करिबे. ठीक अच्छे बुझिपारल देन तापर देखा स्पेसीफिक आक्टिविटीज गुड़ाक कौन देखा सॉरी स्पेसीफिक आक्टिविटीज मैनिफेस्टेड इन द क्लासरूम दैट आर कन्स्टिट्यूएंट्स विथ ए मेथड एंड देयरफॉर इज इन हार्मोनी विथ एन अप्रोच. ठीक अच्छे एगुड़ाक हूँ माने आमर जो टेक्निक हूँ स्पेसीफिक आक्टिविटीज जो गुड़ाक कि आम क्लासरूम भितर करोटे अप्रोच आउ जो मेथड आम एडप्ट करे सक्सेसफुल करने कि आम कौन करू ना किसी छोटिया छोटिया आक्टिविटीज गुड़ाक कौन करता ना कर स्पेसीफिक आक्टिविटीज किसी कराई. ठीक अच्छे देन तापर देखा किसी मेथड विषय में जो गुड़ाक आम पढ़ा जाऊे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन आम पढ़ाक जाऊे डायरेक्ट मेथड कौन पढ़ाक जाऊे बाइलिंगुअल मेथड कौन पढ़ाक जाऊे आउ जो आमर डॉक्टर वेस्ट मेथड कौन आम पढ़ाक एवं जाऊे. सो फर्स्ट आम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रू स्टार्ट करवा मुझे हेडिंग देवा भूली जाइए किसी व्यस्त ना तुमको कहीदेली सो तुम्हें जापार. It is one of the oldest method of teaching English. It is also known as traditional or classical method used in English. मुँ कही थी ना एटा को traditional method भी कहा जाए. सो एटा होची English सिखेबा पाई सबुठारु oldest method. हैला oldest method एटा सबुठारु oldest method. ठीक अच्छे सो कौन लिखा है देखिबा here classes are taught or provided in mother tongue. ये कौन हुए ना क्लास रे इंग्लिश टाको पूरा ओडिया रे पढ़ा हुए मैंने मुझे तुमको फास्ट लेसन पढ़ेला बेलू फास्ट यूनिट पढ़ेला बेलू एग्जांपल दे दिली रामो इज ए गुड बॉय टीचर ताको बुझेबे केमिति ना रामो इज ए गुड बॉय मैंने राम गोटे भल पिला एमती कहीकि बुझेबे पूरा ट्रांसलेट करके थोदेबे. It is used to gain access to the literature in the target language and it emphasizes on vocabulary for reading and writing and for translation for the target language. ठीक अच्छे एटा कौन हुए ना रीडिंग राइटिंग को बेसी प्राधान्य दिया जाए स्पीकिंग को एत प्राधान्य दिया जाए ना हेला पिला मानकर वोकाबुलरी उपरे बेसी कंसंट्रेट करा जाए जहाँफल कि से भल फ्लुएंटली पढ़ी परिबे आउ लिखी परिबे आउ जो टारगेट लैंग्वेज अच्छी माने सपोज इंग्लीश सिखाबर अच्छी इंग्लीश इज द टारगेट लैंग्वेज इंग्लीश सिखेबा कि कौन करा जाए ना ट्रांसलेशन मेथड रो ट्रांसलेशन पद्धति रो सहाय्य लोड़ा जाए. देन असला दस द एम्फासीस इज गिवेन ऑन एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट एंड देयरफॉर मच ऑफ द वोकैबुलरी इज स्टार्ट टू गेन एक्यूरेसी. ठीक अच्छे एथिरे कौन हुए ना केते एक्यूरेटली पिलाटा पढ़ला केते एक्यूरेटली पिलाटा लिखला ता उपरे फोकस करा जिवो हैला आउ सेथि पई कि कौन करा जिवो ना पिलार वोकैबुलरीटा केते स्ट्रांग ता उपरे भी फोकस करा जिवो. ता पर देखिबा हम डायरेक्ट मेथड कौन ना इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड बिकॉज इट एम्स एट टीचिंग इंग्लिश और एनी अदर फॉरेन लैंग्वेज डायरेक्ट and without the help of any other language especially that of the mother tongue. ठीक अच्छे ये डायरेक्ट मेथड टाक जो उड डिस्पैच कमिटी आम मैंने भारत स्वाधीनता हवा पूर्व जो एजुकेशन कमिशन गुड़ाक इंग्रेज मैंने बसईते से मेथडटा से फलो करते डायरेक्ट मेथडटा मैंने से कहते जो इंग्लीश शिक्षादान जब पाला तुम दब तुम अदर लांगुएज यूज कराओ ना हैला मैंने ट्रांसलेट करके पिला पढ़ाओ ना आउ स्पेशली मदर टंग तो जमा भी व्यवहार कराने डायरेक्ट मेथड मैंने इंग्लीशटा को इंग्लीश रे ही सीख डायरेक्ट सीख. ठीक अच्छे देन आसला दिस मेथड ट्राइज टू मेक द लर्नर्स एक्सप्रेस इन द टार्गेट लैंग्वेज व्हाट दे फील थिंक और एक्सपीरियंस है कौन करा जाए ना लर्नर मानक कहुए तुम्हें जहाँ भी फिल करुच जहाँ भी भावुच और एक्सपीरियंस करुच ताको एक्सप्रेस कर मुक्त कंठ रे एक्सप्रेस कर इंग्लीश रे कहिबा सीख किछटा प्रिंसिपल अच्छे डायरेक्ट मेथड रो जेमिति कि ओरल अप्रोच माने हियर द लर्नर्स हाज टू कन्स्टाटली लिसन एंड स्पीक इंग्लीश एटी ओराल अप्रोच मैंने ओराल मैंने दुईटा पार्श्वर ओराल टक् हो मैंने टीचर पार्श्वर भी स्टूडेंट पार्श्वर भी टीचर कहुव स्टूडेंट शुणु आउ स्टूडेंट जहाँ शुणु कहुव टीचर शुणु है तो ये कौन हुए ना लर्नर्स हाज टू कन्स्टाटली लिसन एंड स्पीक इंग्लीश पाने कन्स्टाटली कौन करती ना इंग्लीश शुणी आउ कहतापर से आसला इनोवेशन अफ मदर टंग इनोवेशन अफ मदर टंग कौन दिस् मीनस यूजिंग ओनली द टार्गेट language namely English and avoiding the use of mother tongue.
ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା, ଯାହା ବି ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଇଂଲିଶ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ତୁମେ କେବଳ ଇଂଲିଶ ଭାଷାର ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ମଦର ଟଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଜ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କ'ଣ ହେବ ନା, ତୁମର ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ରହିବ, ଯେମିତିକି ଅନ୍ଲାଇକ୍ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ମେଥଡ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ମେକ୍ସ ଦ ୱାର୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ସିମିଲାର୍ଲି ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ୍ ମେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଜ୍ ଏ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା, ତୁମ ମାନେ ମାନେ ସପୋଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତ ଆମେ ମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ହାଉ ଓଲ୍ଡ ଆର୍ ୟୁ, ଆଇ ଆମ୍ 14 ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ, ଏଇଭଳିଆ କହୁଥିଲେ। ହାଉ ଆର୍ ୟୁ, ଆଇ ଆମ୍ ଫାଇନ୍, ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ପୁରା ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଦେଇପାରିବନି। ଧର ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ତୁମେ କହିପାରିବନି ଗୁଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼। ଏବେ ଯେମିତି ତୁମକୁ କିଏ ଚାଟିଂରେ ପଚାରୁଛି ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଙ୍ଗ, ତୁମେ ଲେଖିଦେଉଛ ଗୁଡ଼। ବାକି ତୁମେ ଆଗରୁ କ'ଣ ସେମିତି କରିପାରୁଥିଲ କି? ଯଦି ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି କିଏ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ମାନେ ସମଥିଙ୍ଗ, ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ସପୋଜ୍ ଅର୍ପିତା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମିତି ଫୁଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମକୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଗରୁ, ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠି ବି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଜ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଏଇଠି ବି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ର ଆନ୍ସର୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ପୁରା ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁକି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ଶିଖା ଯାଉଥାଏ, ହେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା କ'ଣ, ଟିଚିଂ ନ୍ୟୁ ଭୋକାବୁଲାରୀ। ଦ ନ୍ୟୁ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଟଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ମେଥଡ୍ ଆଫ୍ଟର୍ କେୟାରଫୁଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଡେସନ୍। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଥାଏ ନା, ନ୍ୟୁ ଭୋକାବୁଲାରୀ ପଢ଼ାଯାଉଥାଏ, ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଉଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭୋକାବୁଲାରୀ ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଂଲିଶ କହିବାର କ୍ୟାପାସିଟିଟା ବଢ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ଉପରେ, ଭୋକାବୁଲାରୀ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ଏମ୍ଫାସିସ୍ କରାଯାଏ। ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଦେଖିବା, ଏଟାର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଇଟ୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜେସ୍ ଇନ୍ ରିଡ଼ିଂ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ। ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ନା, କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ରିଡ୍ କରିବାରେ ଆଉ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ରାଇଟ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ, ଏମ୍ଫାସିସ୍ ତା ଉପରେ ହିଁ ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ନା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱିକେଷ୍ଟ ୱେ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଭୋକାବୁଲାରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୋକାବୁଲାରୀ ଲର୍ନ କରିବାର କ୍ୱିକେଷ୍ଟ ୱେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା, ଇଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ସ ଦ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଇନ୍ ସ୍ପିଚ୍। କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଛି, ସେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଇଂଲିଶ୍ର ଟକ୍ ଚାଲିଥାଏ, ସୋ ସେମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶ୍ର ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଭଲ ଥାଏ। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯାଇକି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେ ହୁଏତ ଟିକିଏ ମାନେ ଫମ୍ବଲ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଇଂଲିଶ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ 10 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଢ଼ିଛି, ତା'ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଛି, ସେ କେବେ ଫମ୍ବଲ୍ ହେବନି, ସେଇଟା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଇନ୍ ସ୍ପିଚ୍। ଦେନ୍ ଆସିବା ଦେଖିବା ଡକ୍ଟର ୱେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼, ହେଲା। ଡକ୍ଟର ୱେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଦେଖିବା ଏଇଠି କ'ଣ, ଡକ୍ଟର ୱେଷ୍ଟ ହାଡ୍ ଡନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ ଟିଚିଂ ଇଂଲିଶ ଆଜ୍ ଅ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ ଦିସ୍ ମେଥଡ଼ ଆଜ୍ ଏ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ ଆଜ୍ ଏ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଡକ୍ଟର ୱେଷ୍ଟ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଇଂଲିଶ ଟିଚିଂ ଉପରେ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରି, ବହୁତ ସାରା ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ନା, ଇଂଲିଶ ମେଥଡ଼ଟାକୁ ମାନେ ଇଂଲିଶଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶିଖିବା ପାଇଁକି କ'ଣ କରିବା ନା, ତାଙ୍କୁ କହିବା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିଦେବା, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସଟା କ'ଣ ରହିବ। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ର ତୋଡ଼ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଡକ୍ଟର ୱେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ ବୋଲି କହୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଡକ୍ଟର ୱେଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଡକ୍ଟର ୱେଷ୍ଟ According to Dr. West, teachers should teach reading skill first, then to improve the comprehension skill. ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଟିଚର୍ କ'ଣ କରିବ ନା, ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରାଇବ, ତାପରେ ଯାଇକି ପିଲାର କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ମାନେ ସେ କ'ଣ ମୋରାଲ ଜ୍ଞାନଟା ନେଉଛି ବା ଓଭରଅଲ୍ କ'ଣ ବୁଝୁଛି, ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଜିନିଷର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରିଡିଂ ଆବିଲିଟି, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ରିଡିଂ ଆବିଲିଟି ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ଓରାଲ ରିଡିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ, ହେଲା। ଡକ୍ଟର ୱେଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ ଆନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ 2208 ୱାର୍ଡ଼ସ ହ୍ୱିଚ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ଆଜ୍ ଜେନେରାଲ ୱାର୍ଡ଼ସ, ଏସେନ୍ସିଆଲ ୱାର୍ଡ଼ସ, କମନ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଡ଼ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଡ଼ସ। ତ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୋଟେ ଏତିକି ୱାର୍ଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ନିଜେ ବାହାର କଲେ ଆଉ ତାକୁ 4 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲାସିଫାଇ କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଜେନେରାଲ ୱାର୍ଡ଼, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଜେନେରାଲ ୱାର୍ଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏସେନ୍ସିଆଲ ୱାର୍ଡ଼, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖିବା ଦରକାର, ମାନେ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କମନ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଡ଼, ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କମନ୍ଲି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଡ଼, ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ହିଁ କ'ଣ ହେବ ନା, ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ, ହେଲା। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଆର କ'ଣ ରହିଲା,
ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली यूजिंग मॉडल सेंटेंसेस। ठीक अच्छे, ग्रामरटा को आम इंडक्टिवली कौन करवा ना शिखेबा पिला मानंको मॉडल सेंटेंस यूज करके, माने आम डायरेक्ट कहानी जे आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गन, तांको सूत्र पकईकी बुझेबानी, आम मॉडल सेंटेंस तांको दबा आउ सेंटेंस रु सेमानंको स्वतस्फूर्त भाव शिखिबा पाइकी रीडिंग करै करै की आम कौन करवा ना चेष्टा करिया। देन आसला मेमोराइजेशन एंड मिमिकिंग आर कॉमन इन लैंग्वेज लर्निंग। ठीक अच्छे, कौन से जिनस को मेमोराइज करवा मन पकईवा आ मिमिक करवा मैंने बारंबार उच्चारण करवा हूँ लांगुएज लर्निंग रो मैंने कौन कमन थिंग। देन आसला कन्वर्सेशन इज ए प्राक्टिस इन कंट्रोल्ड मेथड है, तो आम कौन करवा ना कन्वर्सेशन प्राक्टिस करवा कंट्रोल मेथड माने पिला मानन को छोटे छोटे सेंटेंस रे कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करैबा। देन आसला यार किछ एडवांटेजेस अछि, एडवांटेजेस कोन जेमति कि एटा कोन करे ना रीडिंग को प्रमोट करे, इट प्रमोट रीडिंग। तापर एनहांस वोकाबुलरी, पिलार वोकाबुलरी डेवलपमेंट करैतै, बेसी बेसी वर्ड पिला सिखिबो। शुड नॉट ओवरलोडेड विथ ग्रामाटिकल रूल्स, एथिरे पिला को जो ग्रामाटिकल रूल्स आई हाव हे गले सेटि गन हो, आई एम हे गले सेटि गोइंग हो, ए भलिया जो माने टिपिकल ग्रामाटिकल रूल पिला उपरे एनफोर्स एटा करि न थाए। देन आ पर देखिबा ओरल सिचुएशनल एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच हला, एटा कोन ना द ओरल अप्रोच एंड सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग इज ए लैंग्वेज टीचिंग मेथड डिराइव्ड फ्रॉम द डायरेक्ट मेथड एंड डेवलप्ड बाय ब्रिटिश अप्लाइड लिंग्विस्ट बिटवीन 1930s एंड द मेथड इज नो लॉन्गर इन फैशन बट सम टेक्निक्स फ्रॉम द मेथड कैन बी स्टिल फाउंड इन लैंग्वेज टीचिंग एक्टिविटीज एंड स्पेशली इन मेनी टेक्स्ट बुक। सो ओरल सिचुएशनल एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच कौन ना एटा होची गोटे मेथड जोटा कि इंग्लीश टीचिंग व्यवहार करा जाउथिला, एटा कोन हे ना डायरेक्ट मेथड रु ही डेवलप करा जाइथिला, एटा को ब्रिटिश माने डेवलप करथिले जे माने ब्रिटिश लिंग्विस्ट माने डेवलप करथिले जे लैंग्वेज टीचिंग रे एटा हेल्प करिवो बोली 1930 मसिया रे एटा बहुत भाबरे कोन होतिला ना बुक रे बा जो माने अदर वेज रे क्लासेस रे व्यवहार करा जाउथिला, किंतु वर्तमान सेटा आउ फैशन रे नाही, माने वर्तमान से मेथड रे आउ कोनोसी प्रकार रे लर्निंग टीचिंग हो नाही, बट तार किछी किछी टेक्निक अछि जो गुडा को वर्तमान मध्य एम्फासिस दिया जाउछि, स्पेशली टेक्स्ट बुक मानक रे वर्तमान भी ताकू एम्फासिस दिया जाउछि। इट इज बेस्ड अपॉन द अजम्पशन दैट लैंग्वेज कैन बी लर्न थ्रू ए साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर। एटा कोन होतिला ना गोटे एमितिया चेतन चिंता रे विश्वास करूथिला जे लैंग्वेज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर द्वारा कोन करा जाय पारिबो ना शिक्षा पारिबो। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन कौन रहुतिला माने जो प्रकारिया भाबरे आमे जो सिलेक्शन बा ग्रेडिंग करिबा, गोटे हला लैंग्वेज हैबिट, गोटे हला जहाँ भी आमे लैंग्वेज हैबिट पकोउचे तार यूजफुलनेस केते रहुची, गोटे हला टीचेबिलिटी माने ताकु शिक्षा जाई पारिबो ना नाही, गोटे हला प्रोडक्टिविटी माने तार आउटपुट कौन हबो, रिजल्ट कौन हबो बा आउटकमटा कौन हबो, आ गोटे हला सिंप्लिसिटी सेटा केते दूर सिंपल माने लर्न करिबा पई पिला मानंक पई सेटा केते दूर उपयोगी आ सेटा केते दूर सरल, तार किछि कैरेक्टरिस्टिक्स अछि से कैरेक्टरिस्टिक्स देखिबा। इट एम्फासाइजेस ऑन वर्बल अप्रोच, एटा सबले वर्बल अप्रोच उपर ही एम्फासिस दउथिला माने केवल मौखिक। तापर हला इट को रिलेट द टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन विथ रीडिंग लेसन, एटा कौन करूला ना को रिलेसन रखुला ग्रामर आउ कंपोजिशन सांगे जिते बड़े भी किए भी लेसन टाक रीड करुचे से कम व्यवहार होता। द अप्रोच इनवल्व सिलेक्शन एंड ग्रेडेसन अफ मेटेरियाल, ये कौन होता ना मेटेरियाल सिलेक्शन आउ ग्रेडेसन कर। देन आसला मेरीट, मेरीट कौन इट मोटेट पुपिल, एटा कौन करू एटा कौन आर मेरीट कौन थिला ना एटा पिला मानंको मोटिवेट करूला। इट क्रिएट इंटरेस्ट अमंग पुपिल, एटा पिला मानंको भितरे इंटरेस्ट कोडा को क्रिएट करूला माने कौतूहल सृष्टि करूला। वर्बल स्पीच इज एम्फासाइज्ड थ्रू स्पीकिंग स्किल ऑफ ए चाइल्ड इंप्रूव्ड, वर्बल आउ स्पीच स्किल टा एम्फासाइज होतिला सो दैट पिला मानंकर स्पीकिंग स्किल टा कौन होतिला ना इंप्रूव होतिला। लैंग्वेज इज टॉट इन मीनिंगफुल सिचुएशन, लैंग्वेज गुडा को पिला मानंको मीनिंगफुल सिचुएशन रे कौन करा जाउथिला ना शिक्षा दिया जाउथिला। देन आर किछि डिमेरिट भी थिला, जो जिनस मेरीट अच्छे तार डिमेरिट तो रहिबो, तार डिमेरिट कौन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन हायर क्लासेस, हायर क्लासेस गुडाक याक एक्सेप्ट करा जाउ नथिला, एटा लोअर क्लासेस पई कि ही ठीक थिला। नॉलेज ऑफ ग्रामर कैन बी ऑब्टेन्ड प्रॉपर्ली, ग्रामर रो नॉलेज टा प्रॉपर्ली ऑब्टेन होबा निहाती आवश्यक होउथिला। देन आसिला टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब्ड इन कोर्स कैन नॉट बी टॉट थ्रू दिस अप्रोच, गोटे कौन से टेक्स्ट बुक पूरा जोटा कि गोटे कोर्स रे इन
ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି। ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ର ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଜରିଆରେ ସେଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତା'ର ସବୁଯାକ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼େଇବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିଚିଂ। କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିଚିଂଟା କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଦିସ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି କମ୍ସ ଥ୍ରୁ ହାଭିଂ ଟୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ରିଅଲ୍ ମିନିଂ। ହେଲା, ତ ଏଇଟା କ'ଣ କଲା କରା ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, ଏଇଟା କହୁଥିଲା ଯେ ଦିସ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି କମ୍ସ ଥ୍ରୁ ହାଭିଂ ଦ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ରିଅଲ୍ ମିନିଂ। ଯଦି ଆମେ ରିଅଲ୍ ମିନିଂରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟାକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି କୌଣସି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା। ଦ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଇଜ୍ ଜେନେରାଲି ରେଫର୍ ଟୁ ଆଜ୍ ଦ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଇଂଲିଶ ଶିଖେଇବାର, ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ମାନେ କଥୋପକଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂଲିଶ ଶିଖେଇବାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ଟା, ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ହାଇଲି ଫଙ୍କସନାଲ୍, ପୁରା ନେସନ୍ ୱାଇଡ଼୍, ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ସାରା ହାଇଲି ଫଙ୍କସନାଲ୍। ମାନେ ଯେତେ ମେଥଡ଼ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମେଥଡ଼ରେ ଶିଖେଇଲେ ପିଲାମାନେ ବେଟର୍ ଶିଖନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବୋଲିକା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ନା, ଇଟ୍ସ ଫଙ୍କସନ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ପିପୁଲ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ୱିଥ୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଏଇଟାର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ବା ଲୋକମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ କେମିତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତା'ର କିଛି ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ବି ଅଛି। ଟିଚର୍ ସୁଡ଼୍ ୱାର୍କ ଆଜ୍ ଅ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର୍, ହିଜ୍ ରୋଲ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ମନିଟର୍ ଦ କ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇଟାର କିଛି ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ଟା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଟିଚର୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର୍ ହିସାବରେ କାମ କରିବ। ତା'ର ରୋଲ୍ କ'ଣ ରହିବ ନା, ସେ ପୁରା କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ମନିଟର୍ କରିବ ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ମାନଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମଷ୍ଟ ବି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଟିଚର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମଷ୍ଟ ବି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଟିଚର୍। ଏମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଟିଚର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ଯାହାଟା କି ପିଲାକୁ ଲେସନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାନେ ଟପିକ୍ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରଖୁଥିବ, ରିଲେଭାଣ୍ଟ ହେଉଥିବ, ମାନେ ଟପିକ୍ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରଖୁଥିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଲେସନ୍ ଶୁଡ଼୍ ବି ଟପିକ୍ ବେସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମିନ୍ ଟୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦ ହିଡ଼େନ୍ ଗ୍ରାମାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଲେସନ୍ ପଢ଼ା ହେବ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଟପିକ୍ ବେସ୍ ହେବ, ଟପିକ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ବାହାର ଆଜିବାଜି ଜିନିଷ ପଢ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ତା'ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ ଯେ ଯାହା ବି ଗ୍ରାମାର, ହିଡ଼େନ୍ ଗ୍ରାମାର ଯାହା ବି ରହିଛି ସେଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ କୌଶଳଟା କେମିତି ଶିଖେଇବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଏନ୍ଗେଜିଂ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହେବ ନା, ମାନେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ କରାଯିବ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା ଶିଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ୟୁଜ୍ଟା ଶିଖିବେ ଆଉ କେମିତି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିବେ, ମାନେ ଯାହା ବି ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକର କି ପ୍ରାୟୋଗିକ ଦିଗ ଥିବ, ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ତା'ର କିଛି ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏ ଗୁଡ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର୍। ଯଦି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଭଲ ରହିବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି, ୱେୟାର୍ ଟିଚର୍ ୱାର୍କ ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର୍ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ଅଥରିଟି। ଏଇଠି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍, ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା, ଟିଚର୍ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର୍ ବା ଗୋଟେ ହେଲ୍ପର୍ ହିସାବରେ କାମ କରିବ, ସେ ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଗୋଲ୍, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଇଂଲିଶ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି କହିବେ, ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଗୋଲ୍। ଦ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଇଜ୍ ଟାସ୍କ ଅର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଟାସ୍କ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ରହିବ। ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଇଜ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍। କ'ଣ ହେବ ନା, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସିଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁ କଥୋପକଥନର ଦକ୍ଷତା କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଡର ରାଜ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍, ତା'ର କିଛି ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି। ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଆକ୍ୟୁରେସି ଇନ୍ ଗ୍ରାମାର ଅର୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍। ଏଇଟା କେବେ ବି କ'ଣ କରେ ନା, ଗ୍ରାମାରର ଆକ୍ୟୁରେସି ଆଉ ଗ୍ରାମାରର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଉପରେ କ'ଣ କରେ, ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଉପରେ କ'ଣ କରେ ନା, ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ନାହିଁ। ଗୁଡ୍ ମନିଟରିଂ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ମେ ଲ୍ୟାକ୍ ସମ୍ଟାଇମ୍ସ। ଟିଚର୍ମାନେ ଏତେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ପୁରା ମାନେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଅବଜର୍ଭର୍ ଭଳିଆ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା, ମନିଟର୍ କରୁଥିବେ କ୍ଲାସ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ତାଙ୍କ କାମରୁ ସେମାନେ 19-20 ହେଲେ, ସେଇଟା କେବେ ବି ଆଫୋର୍ଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୋ ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍ ଆର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, କିଛି ବି ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍ ଏଥିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଇନ୍ ELT, ଏଇଟା LTE ଭୁଲ୍ରେ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ELT ହେବ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ ଇଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବାଏ ୱିଟ୍ WLN
ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1960। एटा को किए बाहर करते ना वी डब्ल्यू एल एन बाहर करते जेकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थे 1960 मसीह बाहर करा जाए थिला। इट वाज एक्सपेरिमेंटली यूज्ड इन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन 1960 to 1967। यहीटा को गोटे एक्सपेरिमेंट करने गोटे एक्सपेरिमेंटल बेसीस कौन है ना टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम मानक यूज कर 1960 to 1967 मसीह मध्य देन अकॉर्डिंग टू वी डब्ल्यू एल एन टीचिंग स्ट्रैटेजी विथ रिड्यूस्ड क्लास स्ट्रेंथ पुपिल एंड टाइम इज कॉल्ड माइक्रो टीचिंग। तो वी डब्ल्यू एल एन कौन कहले टीचिंग स्ट्रैटेजी विथ रिड्यूस्ड क्लास स्ट्रेंथ माने क्लास रे कम संख्यक पिला रखिकी आउ कम टाइम रे जदि कौन कर ना तुम्हें मैंने पिला शिक्षादान कर माइक्रो टीचिंग कहुव। माइक्रो टीचिंग इज ए सिग्निफिकेंट एफर्ट टू मेक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम साइंटिफिक इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। से कहले जे माइक्रो टीचिंग हूँ गोटे सिग्निफिकेंट एफर्ट जहाद्वारा कौन हम ना पिला मानंकु तुम्हें माने भलरे कौनसी प्रकार पाठ को पढ़े पारी बुझे पारी बो। माइक्रो टीचिंग इज लाइक ए स्टिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग टू प्रोवाइड द फीडबैक टू टीचर ट्रेनिंग फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। तो यहाँ यूजुअली माइक्रो टीचिंग यूजुअली कौ मानक व्यवहार करा जाए ना टीचर ट्रेनी मानक व्यवहार करा जाए। टीचर ट्रेनी बोली क्या कह जाए जो मैंने सीटी की बीएड कोर्स अंडर में थांते से मानक टीचर ट्रेनी बा पुपिल टीचर ए भलिया कह जाए। तो यही टेक्निकटा माइक्रो टीचिंग मेथडटा मानक व्यवहार करा जाए जहाँफल कि बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हो पार। इट इज ए ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट दैट कैन बी अप्लाइड एट वेरियस प्री सर्विस एंड इन सर्विस स्टेजेस ऑफ स्टेजेस इन द प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एटा कौन करा जाए ना प्री सर्विस और इन सर्विस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर रे यूज करा जाए माने तुम्हें माने जो माने बीएड कोर्स रे अछो से माने प्री ट्रेनिंग कोर्स रे अछो तापरे सॉरी प्री सर्विस ट्रेनिंग रे अछो तापरे जो माने चाकरी कला भी मझे मझे ट्रेनिंग नवा को जाती से माने इन सर्विस स्टेज रे थांती। देन आसला देखिबा माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन सैंपल ऑफ टीचिंग द कॉम्प्लेक्स आर्ट ऑफ टीचिंग इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल कंपोनेंट्स हैला ताको देखिबा जे तारो सिंपल कंपोनेंट कौन। इट फोकस ऑन डेवलपिंग ऑफ टीचिंग स्किल टीचर रो टीचिंग स्किल माने शिक्षादान दक्षतार वृद्धि पाई कि एटा कौन करते ना फोकस करे थाए। क्लास साइज टा साधारण तो 5 to 10 पिला ही क्लास साइज रे दिबे माने गोटे पुपिल माने 5 to 10 पुपिल टीचर ही एका संगे पढ़े। देन आसला गोटे पीरियड रो ड्यूरेशन 35-40-45 मिनिट न हो 5 to 10 मिनिट रखा जिवो। देन क्लास रे जो टॉपिक धर 3 टॉपिक पढ़ेबार थिला से टॉपिक साइज टा भी रिड्यूस करा जिवो आउ रिड्यूस टीचिंग स्किल हैला। देन तापर आसला हाईली इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग माने प्रत्येक पिलार स्वतंत्रता को देखी ताकू सही हिसाब रे माने तार बौद्धिक स्तर हिसाब रे ताकू ट्रेनिंग दिया जिवो। प्रोवाइड फीडबैक किए को भलिया क्लास प्रेजेंट करूची सही अनुसार ताकू फीडबैक दिया जिवो। प्रिपेयर एन इफेक्टिव टीचर हैला गोटे इफेक्टिव टीचर प्रभावशाली शिक्षक प्रस्तुति रे ए माइक्रो टीचिंग टा सहाय्य करिथाय। देन आरो किछ ऑब्जेक्टिव्स अछि ऑब्जेक्टिव गुडा देखिबा टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ क्लासरूम टीचिंग ट्रेनिंग ठीक अछि। क्लासरूम रे जो पुपिल टीचर मानन को टीचिंग ट्रेनिंग दिया जाए सेटारो कॉम्प्लेक्सिटी कमेबा एटारो काम। टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट फॉल्ट एंड गिव फीडबैक एटा कौन करता है ना सब प्रकार से भितर डिफेक्ट आउ फॉल्ट को कौन करता है ना खोजिक काढ़ी थाए आउ से यथासंभव सठिक फीडबैक प्रोवाइड करिथाए। टू ब्रिंग बिहेवियरल चेंजेस एटा कौन करता है ना पुपिल टीचर मानकर बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करिथाए बा पॉजिटिव वे रे तांको बिहेवियर चेंज करिथाए। टू डेवलप यूजफुल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम सेटा ये कौन करता है ना माने व्यवहार उपयोगी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम गुड़ाक कंपोज करिवारे सहाय करे। टू आइडेंटिफाई न्यू टीचिंग स्किल्स एंड एनकरेज रिसर्च ये कौन करे ना न्यू टीचिंग स्किल गुड़ाक आइडेंटिफाई करे आउ रिसर्च वर्क जो गुड़ाक रही है सब एनकरेज करें। टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग थ्रू सुपरविजन माने जदि कम क्लासरूम विशिष्ट पिला रही माने कम पिला विशिष्ट क्लासरूम रहिबो टीचर भल भाव में समस्त को सुपरवाइज करें ना ना जदि 5 to 10 पुपिल टीचर ही रही है तो भल भाव में सुपरवाइज कर। देन आसला माइक्रो टीचिंग साइकिल माइक्रो टीचिंग साइकिल देख फास्ट कौन करा जीवो ना प्लान करा जीवो जे कौन पढ़ेबा केमिति पढ़ेबा तापर टीचिंग दिया जीवो सेटा भी करते 5 to 10 पर्यंत टीचिंग दिया जीवो तापर केमिति कौन टीचिंग दिया हला सेटा उपरे गोटे डिस्कशन हबो फीडबैक दिया जीवो सेटा भी 6 रे सरीबो सेही फीडबैक को देखिकी जदि किछु भूल चूक रही जाइछि सेही अनुसारे पुनि थरे रीप्लानिंग करा जीवो सेटा को 12 रो समय दरकार 10 to 12 रो समय दरकार रीप्लान अनुसारे नुवा प्लानिंग अनुसारे पुनि थरे रीटीचिंग हबो पुनि
पुणी थे नुआ कि टीचिंग दिजिव पुणी नुआ टीचिंग जो दिगला से प्रिवियसली जहाँ जहाँ सब लाक्यूना रही जाता से गुड़ा ओवरकम हो ना आते मात्रा भल है कि आते मात्रा भल हो पार्टी पुणी थे आउ गए फिडबैक् दिजिव सो यहीटा है कौन ना तुम माइक्रो टीचिंग साइकिल एग्जाम मन रखि था जिते बड़े भी लिखुच एमती खंडे खंडे डायग्राम गोटे गोटे डायग्राम बसइब सो दैट तुम ये डेढ़ घंटा भितर 1.5 आवर भितर जो 36 पेज बुकलेट दिखाई थोड़ा तुमको जो मानने 18-20 पेज टारगेट नहीं कि जो भर को पड़ो से टारगेटा तुम इजिली आचिव कर पार देन आसला बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग माइक्रो टीचिंग रो बेसिक प्रिंसिपल किसी अच्छी प्रथमटा है प्रिंसिपल ऑफ एनफोर्समेंट जो थे कि फीडबैक आउ रीटीचिंग देकि पिला एनफोर्स अभिप्रेरणा दिजिव प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस और ड्रिल माने कांस्टेंटली ड्रिल करा प्रैक्टिस करा जोटा को पुनरावृत्ति और अभ्यास माने पिलार मास्टरी आसपार बारंबार युवा करने द्वारा देन आसला प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी माने कौटि भी प्रोसेसटा ब्रेक हेनी रेगुलरली निरंतर चलो देन आसला प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन ऑब्जर्वेशन एंड केयरफुलनेस सुपरविजन माने कौन कर पूरा तन्नतन कर पूरा माइन्यूटली ऑब्जर्व करा केयरफुलनेस शो करा देन आसला माइक्रो टीचिंग रो किछि स्टेप अछि प्रथम स्टेप टे कौन स्किल ऑफ प्रेजेंटेशन और डिफाइनिंग द स्किल ठीक अछि एथिरे आमे पिला मानंकु को प्रकारिया स्किल तांको भितर डेवलप करिबा हला सेटा को आम डिसाइड करवा माने से कौ प्रकार स्किल को लर्न कले सेटा को से देखेबे देन आसला स्किल ऑफ डेमोनस्ट्रेशन माने स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन शोन और टेलीकास्टेड माने से कौन करेंगे ना शो करेंगे है कि भी जिन डेमोनस्ट्रेट करा मैंने कौन शो करवा एक्सप्लेन करवा टेलीकास्ट करवा देन आसला प्रिपेरेसन अफ माइक्रो लेसन प्लां कंटेन्ट आनालीसीस करी लेसन प्लांटे प्रस्तुत करोटा कि 5-10 मिनट भितर तुम्हें डेलीवर कर देन आसला क्रिएटिंग माइक्रो टीचिंग एनवायरमेंट माइक्रो टीचिंग एनवायरमेंट केमी क्रिएट कर ना क्लासरूम आटमोसफियरटा को तुम्हें से ही भाया ये कर मैंने फर्णिचर आडजस्टमेंट लाइट तापर से वेन्टिलेसन सब जिनस है माइक्रो टीचिंग एनवायरमेंट गोटे क्रिएट कर लर्निंग द टीचिंग स्किल माने लेसन डेलीवर कर जो दक्षता थाए से तुम्हें एक्वेयर कर 5-10 मिनट भितर केमी भल भाव में लेसन डेलीवर कर जहाँ भी तुम ऑब्जेक्टिव अच्छे से हासिल हो पार देन आसला गिविंग फीडबैक है तुम जो प्रकार परफॉर्मेंस रही देखिकी तुम कौन हम तुमको कौन कर इवैल्युएट करवैल्युएट कर हिसाब से तुमको फीडबैक प्रोवाइड करेन आसला रिप्लान रिटीच और रिफीडबैक माने बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ अ प्रियर और ऑब्जर्वर तुमर जो सांगसाथी आ तुमको जे ऑब्जर्व करूछंती तांकर माने फीडबैक अनुसार तुमको तुमर जदि बहुत सारा भूल रही जाय छी कि किछि गोटे प्रॉब्लम रही छी कि किछि भी रही छी सेही अनुसार तुमको रीप्लान करिया पड़िबो रीटीचिंग दबाको पड़िबो पुन थरे रीफीडबैक कलेक्शन करिया को पड़िबो देन आसला रिपीटिंग द माइक्रो टीचिंग साइकिल हैला रिपीटिशन टिल मास्टरी जे पर्यंत तुमर एक्सपर्टीज आसी न जाय छी से पर्यंत ए जंतटा रिपीट होतिबो इंटीग्रेटिंग द स्किल accumulation and transfer of a skill will occur tum integrating the skill mane tumara originally jaha skill thila ta sangare tume nua kichi jinsa ko kon karibo na add karibo au ta pare nua mane jaha tumara puruna knowledge thila tanko tume nua knowledge re transfer karibo thik ache then ta pare asila various teaching skills bahut prakar ra teaching skill achi gote la stimulus variation gote la lecturing gote la questioning gote la verbal non verbal gote la using blackboard gote la explanation gote la illustration gote hela probing questions एला बहुत प्रकारिया टीचिंग स्किल रही देखा एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग माइक्रो टीचिंग रो एडवांटेजेस कौन माइक्रो टीचिंग सब बड़े सुपीरियर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे माने देखो जब गोटे क्लास रे 100 जन पिला अछंती 100 जन रु 100 जन को भलो रिजल्ट प्रोवाइड भलो रिजल्ट करैबा त सहज कथा नुए किंतु गोटे क्लास रे धर 5 जन रु 10 जन अछंती त जण माने 10 जन को ऊपर 5 रु 10 जन को ऊपर फोकस करी से माने को रिजल्ट भलो करै करा जाय पारिबो त एटा कोन करे ना सुपीरियर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करथाय रियल टीचिंग करता है माने माने प्रत्येक पिला ऊपर ध्यान दे कि टीचर जेतु पढ़ाए तो एटा कोन करे ना रियल टीचिंग प्रोवाइड करे अकम्पलिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक टास्क बहुत सारा स्पेसिफिक टास्क अच्छे जो गुड़ाक अकम्पलिश करिवारे एटा सहाय्य करता है इनक्रीज कंट्रोल ऑफ प्रैक्टिस एटा जेतु बारंबार पुनरावृत्ति और अभ्यास ऊपर कौन करता है ना फोकस करता है तो ये कौन हुए ना कंट्रोल ऑफ प्रैक्टिस भी बढ़े एक्सपेंशन ऑफ द नॉर्मल नॉलेज ऑफ रिजल्ट और फीडबैक डायमेंशन इन टीचिंग ठीक अच्छे तो कौन हुए ना नॉर्मल नॉलेज पिला जैसे कि नॉलेज एक्वायर करवा कथा जो प्रकार तरह रिजल्ट होगा कथा जो प्रकार फीडबैक मिलवा कथा ये सब गुड़ाक आहुरी कौन हुए ना क्षेत्र बेसी मात्रा बढ़ी जाए ये आहुरी एक्सपेंशन होता है हेल्प्स इन सॉल्विंग सम ऑफ द प्रॉब्लम्स इनवॉल्व्ड इन स्टूडेंट टीचिंग प्रैक्टिस ये कौन करे ना बहुत सारा प्रॉब्लम
को सॉल्व करे जो गुड़ाक स्टूडेंट टीचिंग प्रैक्टिस रे हमको कौन करिवो कौन करछि ना प्रॉब्लम क्रिएट करछि से प्रकार प्रॉब्लम को ये बहुत मात्रा रे सॉल्व करे इफेक्टिव इन मॉडिफाइंग टीचिंग बिहेवियर एटा कौन करे ना टीचिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन रे भी सहाय्य करे माने गोटे टीचर मन रे जो एम्पैथी जो प्रकार रो फ्रेंडलीनेस आ जहा जहा भी भलो गुण रहिबा कथा से गुड़ाक ये कौन करे ना कल्टिवेट करे आ टीचिंग बिहेवियर टा को कौन करे ना मॉडिफाई करे इंडिविजुअलाइज टीचर ट्रेनिंग एटा कौन करे ना जो टीचर ट्रेनी माने रही माइक्रो टीचिंग क्लास रे से इंडिविजुअल स्ट्रेंथ आउ वीकनेसेस को देखे से स्वतंत्रता को चिन्हे आउ सही अनुसार ट्रेनिंग प्रोवाइड करी थाए बे देखिबा लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग कौन ना फर्स्ट पॉइंट हूँ माइक्रो टीचिंग इज स्किल ओरिएंटेड रादर देन कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड ठीक अच्छे माने यहाँ केवल टीचर रो को भाया स्किल अच्छी सेटा उपर बे फोकस करे टीचर को भाया गोटे भल लेसन कंडक्ट कराई पार्ला कि कौन केवल सहीटा हिं फोकस कर कंटेंट नलेज पिला को कौन मिलू न मिलू ताटा बेस प्राधान्य दे न था ठीक अच्छे तापर से सेकेंड पॉइंट कौन है एम्फासीस इज लेड अन् स्पेसीफिक स्किल यहाँ केवल किसी पर्टिकुलर स्पेसीफिक स्किल्स हिं कौन करता है ना एम्फासीस दे था सबू मैंने पिलार सर्वांगीन उन्नति सामग्रिक विकास किसी मानने फलप्रद हम ना यहाँ केवल किसी स्पेसीफिक स्किल डेवलपमेंट पर ही गुरुत्व दब स्कोप ऑफ माइक्रो टीचिंग इज नैरो ओब्वियसली माइक्रो टीचिंग जेहतु केवल गोटे स्किल ओरिएंटेड प्रोसेस यहाँ कंटेंट उपर किसी ध्यान ही दौनी तो निहाती भाव में यटार स्कोप नैरो द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज नॉट सम टोटल ऑफ डिपेंडेंट एंड आइसोलेटेड टीचिंग स्किल है यहाँ कौन हो मानने मानने कौन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज नॉट सम टोटल ऑफ इंडिपेंडेंट एंड आइसोलेटेड टीचिंग स्किल्स ये गोटे सम टोटल प्रोसेस नुहे ये गोटे इंडिपेंडेंट स्किल नुहे है यह हिं कहुए तो ये कौन देख भाव तो यार किसी लिमिटेशन भी अच्छे जमी जो जिनसर किसी लाभ अच्छे से जिनसर किसी लोकसानी भी अच्छी तो सेमती माइक्रो टीचिंग बहुत गुड़े एडवांटेजेस अच्छी तक माइक्रो टीचिंग एतिक किसी डिसएडवांटेजेस भी अच्छी ये सरीगला आमर यूनिट टूटा जहाँ भी नोट्स दरकार अच्छी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो व्हाट्सएप नंबर अच्छी से आम सागे कंटाक्ट कर आउ नोट्स को पाई जानतु इंग्लिश पीडीएफ टा टोटली आपको 99 ही पड़ो आदि आप पांचटा जाक पीडीएफ मैंने आपंकर जो पांचटा सब्जेक्ट अच्छी से पांचटा जाकर पीडीएफ जदि चाहूँगी ताहले आपको 500 रुपीज पड़ो कहीं जो आमर जो गोटे बुक ना फिलोसोफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन से बहुत बड़ आ बहुत परिश्रम लगी नोट्स बनवाई से टोटल 500 रुपीज आपको पड़ो आदि जो मैंने प्रिवियसली मोर अदर किसी क्लासेस देखी ना जमी चाइल्ड डेवलपमेंट क्लासेस आवेलेबल अच्छी सोशल साइंस क्लासेस आवेलेबल अच्छी जो मैंने भी न देखी से कैंडली चैनल को जातु आ देखु ओटीईटी सीटीईटी और जेटी प्रिपेरेशन क्लासेस भी मुझे आवेलेबल करेली मो चैनल से गुड़ाक भी जाकि देखु ठीक अच्छे सो रही थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल दी एंड वर्तमान पर्यंत लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब न करदे करदे।